हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर चैप्टर ऑफ हिल स्नोमैन। आज हम लोग कमलपुर के बगाईछड़ी गांव में जा रहे हैं। वहां से हम लोग पाइनएप्पल प्लक करेंगे, क्वीन पाइनएप्पल, देसी मीठा पाइनएप्पल। सो बने रहिए हमारे साथ। हम लोग हैं अभी बगाईछड़ी पाइनएप्पल ऑर्चर्ड। और देखिए, पाइनएप्पल ही पाइनएप्पल, चारों ओर पाइनएप्पल। आज हम लोग लेंगे पाइनएप्पल, बैग भर के लिए पाइनएप्पल, हर एक जगह पाइनएप्पल, पूरा पाइनएप्पल ऑर्चर्ड देख रहे हो। ये देखिए, ये है क्वीन पाइनएप्पल, क्वीन ये रानी, मीठा बहुत ही मीठा। पर इनको गार्ड करने के लिए पत्ते देख रहे हैं, रेजर शार्प पत्ते, रेजर शार्प। देखिए शार्पनेस, देखिए 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 जो ब्लेड्स, देखिए अब देख रहे हो धार धार, बहुत ही बढ़िया, काफी सुंदर है। अभी इसको हम लोग प्लक करेंगे। देखना ऐसे पकड़े ना, ऐसे किए, ट्विस्ट किए, ये रहा, बस हो गया, आ गया। ये एक आसान है, मतलब इतना मशक्कत करना नहीं पड़ता। इफ यू वांट टू प्लक, ये पका हुआ है, फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक, यहाँ पे फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है। जब सीजन खत्म होता है ना, इस जगह को जला देते हैं और जो राख निकलता है ना, वही यहाँ का मेन्योर है, वही पेस्टिसाइड है, वही फर्टिलाइजर है, वही मेन्योर है। मतलब बाकी कुछ आर्टिफिशियल केमिकल यहाँ पे यूज नहीं होता। सो ऑर्गेनिक, फार्म फ्रेश। सोच रहे कि यहाँ से, मतलब यहाँ से तो जाता ही है दुबई, यही वाले पाइनएप्पल जाते दुबई। हबीबी, ढलान काफी प्रॉब्लम हो गया, पता क्या, स्लीपर्स पहन के आए, स्लीपर्स, ठीक है। और ये ढलानों के ना स्लीपर्स, नाम से पता चला स्लिप कर रहे, ये स्लीपर्स है। पाइनएप्पल ही पाइनएप्पल, इसको लेके आगे बढ़े। तो देखिए भाई साहब ने एक बोरा पैक कर लिया पाइनएप्पल, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब। अच्छा, यहाँ का और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, इस इलाके से दो चीज़ होता है एक्सपोर्ट, एक है पाइनएप्पल और एक है ये शानदार रसीले मीठे मीठे खुशबूदार नींबू। खट्टे है, ज़्यादा मीठे नहीं है। ये देखो इतने बड़े बड़े नींबू। आजकल मार्केट में नींबू का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखो कितना बड़ा नींबू, ये फिर भी ये छोटा है, और भी बड़े। तो अभी जा रहे वापस, हो गया प्लकिंग, बहुत सारे प्लक किए, ढेर सारे प्लक किए। देखिए बड़े बड़े नींबू, बड़े बड़े पाइनएप्पल, ये छोटा है पर ये पका हुआ है, नहीं लेंगे छोटा इसलिए। ये देखिए पाइनएप्पल ढेर सारे पाइनएप्पल, तो इधर देख रहे हो ना, इसके बाजू में भी, ये काफ़ी बड़ा है साइज, पर पका नहीं, और बड़ा होने वाला है। भाई साहब सारे पाइनएप्पल इस बोरे में डाल दिया है, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना भाई साहब। चले ठीक है, हाँ चलते हैं, चलिए। अब ये बुरा लेके भाई साहब मेरे मशक्कत देख के बोला, कोई बात नहीं, रहने तो मैं उठा लेता हूँ। ये जगह काफ़ी सुहाना है, बहुत ही प्यारा है। हाँ, वो उस पार बांग्लादेश है, इस पार इंडिया है।
देखिए, ये है लेमन प्लांटेशन, बहुत बढ़िया। आज मतलब पूरा ऑर्गेनिक टूर। ये दादा और दीदी लोग लेमन प्लक करके अभी आए हैं बागान से। देखिए, ओह हो, देखिए कितने ढेर सारे लेमन, ऑर्गेनिक लेमन्स देख रहे, फ्रेश लेमन्स। भाई साहब, यहाँ पे किलो के हिसाब से नहीं होता, यहाँ पर पीस के हिसाब से होता है। ये होलसेलर लोग आते हैं, आके ख़रीद के लेके जाते हैं। ये डेली का सीन है, डेली ऐसे ढेरों हज़ारों लाखों लेमन्स ऐसे प्लक किए जाते हैं। दादा लोग यहाँ पे प्लक करके अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, सुबह से काम पे लगे। ये वाला साइज़ देख रहे हैं नींबू का, हाँ, वो जो छोटा पाइन एप्पल दिखाया था ना, उसका थोड़ा आसपास में साइज़ में। देखिए बड़े बड़े नींबू, ढेर सारे नींबू, मज़ा आ गया देखिए भाई साहब, मज़ा आ गया देखिए। इधर भी ढेर सारे, उधर भी और भी लंबा है, लंबा बागान है उधर, उस साइड में अंदर। यहाँ पे एक छोटा सा एक फिशरी टाइप है जो कि सूख गया है। और ये देखिए, ये पूरा पैक किया हुआ लेमन है। हम लोग अभी वो खुशबूदार नींबू के तलाश में आए हैं। नींबू का ऑर्चर्ड है, चारों तरफ नींबू, ये पूरा एरिया में नींबू नींबू नींबू। इधर में बम्बू और नींबू, ये भी पूरा नींबू, ये पूरा नींबू। अभी हम लोग ये खुशबूदार सेंटेड लेमन प्लक करने के लिए आए। ये रहा नींबू का गार्डन, मतलब अलग ही सीन है भाई साहब, अलग ही सीन है, मज़े। आप देख रहे हो, ये जो पूरा जंगल टाइप दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा नींबू है। वो जो पूरा जंगल टाइप दिखाई दे रहा है, पूरा नींबू है, पूरा नींबू 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 नींबू। और ये भाई साहब हमारे यहाँ के मालिक है, हैं भाई साहब का नाम क्या है? भाई साहब का नाम है रंजित देव वर्मा। अच्छा लगा मिलके भाई साहब। अभी ये वाला पार्ट सेंटेड वाला नींबू है, देखो ये एनसी जो निकाल रहा है ये सेंटेड है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा बड़ा वाला, ओ देखो देखो देखो, ये वाला सेंटेड वाले गोल गोल होंगे, ये गोल होंगे गोल। ये भाई साहब निकाल के दे रहे हैं, देखिए बहुत बढ़िया। ये रंजित दा वो देखिए, ये वाला देखिए देखिए, बस इसको ऐसा करना है और ये ऐसे करके निकालना है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इतने बड़े बड़े नींबू, नींबू ही नींबू, अब देख रहे हैं। ओ देखिए बढ़िया सा, ये भी प्लग करने के लिए बोले भाई साहब। ए देखो ये प्लग करने के लिए बोले भाई साहब, ए देखो देखो तो पूरा पका हुआ है। खुशबू बहुत अच्छा है ना भाई साहब, खुशबू अच्छा है ना इसका, सेंट अच्छा है ना, हाँ वाह। मतलब आए आके सीधा धड़क 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 40-50 नींबू निकाल लिए, मतलब। और एक चीज़ पता है आपको, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों का दिल इतना बड़ा है, ये लोग मतलब खुश रहना चाहते हैं और खुश रहना ये लोग जानते हैं, ठीक है। ये लोग मटेरियलिस्टिक नहीं है। ये भाई साहब का राइड है, एक्सप्लोरिंग। और भी दूसरी जगह से आए अभी हम लोग, मतलब इधर में पूरा आप चारों तरफ, ये जो इकोनॉमी है यहाँ का मेन इकोनॉमी नींबू के ऊपर ही बेस्ड है, लेमन बेस्ड इकोनॉमी। सो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक मनी आउट ऑफ इट, दैट्स द मंत्रा। इन सब गार्डन्स का बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे कोई मालिक वालिक नहीं रहता, कोई बात नहीं। यहाँ पे लोग आएंगे तो क्या लेके जाएंगे, नींबू ही तो लेके जाएंगे दो चार। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है भाई साहब,
आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश देवर्मा है। राजेश देवर्मा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके भाई साहब। ये भाई साहब का गार्डन है। हाँ, ये उन्हीं का है गार्डन है। यहाँ पे हम लोग अभी सेंटेड वाले नींबू, ये छोटे छोटे वाले ना, सेंटेड वाले गोल गोल वाले, देखिए फ्रेश नींबू प्लक किया जा रहा है। और इस साइड में इन लोग का रेस्टिंग का कैंप है। यहाँ पे सारा दिन भर सुबह से काम करके यहाँ पे वो लोग भाई साहब लोग रेस्ट करते हैं। यहाँ पे आके आपको इससे बढ़िया और क्या मिलेगा, इस बैम्बू करी, इसके अंदर में सब्जी है और ये पक रहा है बैम्बू का। भाई साहब, दे डोंट यूज़ स्पाइसेस, एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल स्पाइसेस वगैरह कुछ यूज़ नहीं होता, कोई तेल वेल यूज़ नहीं है, स्ट्रेट फ्रॉम द बैम्बू, बहुत बढ़िया। देखिए, वाओ भाई साहब लेके आए एकदम सेंट वाले नींबू, दिखाइए तो भाई साहब। ओ देखिए अभी फ्रेश ऑर्गेनिक, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते ना, प्योर ऑर्गेनिक ना, बहुत बढ़िया।